गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव तिथि इस उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए उनके जीवन संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु आए हैं सपार्षद, इस बार जो आए हैं महाप्रभु की पूर्ण कृपा समस्त नित्य धाम से समस्त पार्षदों को लेकर महाप्रभु आए हैं। भगवान तो आते हैं जुग जुग में, लेकिन इस तरह से समस्त पार्षदों को लेकर के युगपत ऐसे कृपा विस्तार, ऐसी कृपा कभी देखने में आया नहीं है। कृपा की सीमा तो ये महाप्रभु के पार्षद षड़ गोस्वामी जो थे, ये राधारणी के नित्य सहचरी मंजरिया है, अष्ट प्रधाना मंजरी। राधारणी के जो सखी है, सखी प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये पंचविधा सखी प्रकरण में पंचविधा सखी है। तो साधारण सखी है कृष्ण स्नेहादि का, प्रिय सखी है समस्त स्नेहा, राधारानी में भी प्रेम रखते हैं, कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं। और प्रिय नर्मर सखी है ये राधारानी में प्रेम रखते हैं, ज्यादा राधारानी के साथ रहते हैं, कृष्ण में भी प्रेम रखते हैं। और ये जो मंजरी है राधा स्नेहादि का, राधा रानी से ही पूर्ण प्रेम रखते हैं, कृष्ण से भी प्रेम रखते हैं, राधा रानी प्रेम करते हैं इसलिए कृष्ण से प्रेम। ऐसे कृष्ण से तो प्रेम है, राधा रानी प्रेम करते हैं इसलिए कृष्ण से इतना प्रेम। राधारानी एक पत्थर को प्रेम करते हैं तो मंजरी वो पत्थर को भी अपना प्राण सम मानते हैं। ऐसे तो ये राधा स्नेहादि का ये है अष्टविधा प्रधाना मंजरी। ये प्रधाना अष्टविधा मंजरी जो है रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, यही अष्ट गोस्वामी रूप में हमारे ब्रज में आए हैं महाप्रभु के पार्षद रूप में। ब्रज प्रेम अपनी कृपा के माध्यम से, भजन क्रिया के माध्यम से, ग्रंथ प्रणयन के माध्यम से, कृपा शक्ति संचार के माध्यम से इस तरह से वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ये थे गुण मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये है गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये जो प्रधाना छाय गोस्वामी के निगुरु प्रेम लीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु एकमात्र उपदेश किए हैं ये दीक्षा देने के लिए, क्योंकि ये परंपरा प्राप्ति के लिए हमारे गौरिया वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा, गुरु तो सबको ही हो नहीं सकते हैं, गुरु होने के लिए उनमें विशेष कुछ अधिकार होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, तब जाके वो गुरु बन सकते हैं, तब जाके वो गुरु शक्ति जो शिष्य में संचरित हो सकता है। गुरु का कोई अनुभव नहीं, गुरु कोई तत्व दृष्टा नहीं, गुरु का कोई शास्त्रीय ज्ञान है नहीं, तो शिष्य के मन में जो संदेह रहता है उसको निरसन करना संभव नहीं होता है। इसलिए गुरु बनने के लिए सब कोई गुरु नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमारे
महाप्रभु दिखाए हैं, महाप्रभु के पार्षद माने चेला करने में, शिष्य करने में बहुत अरुचि रखते थे, रुचि नहीं लेते थे। सनातन गोस्वामी इतने बड़े महाप्रभु के पार्षद, अनंग मंजरी ना लवंग मंजरी, लवंग मंजरी एक भी चेला नहीं किया, कोई चेला किए ऐसे सुनने में आता नहीं है, जो परंपरा में सुनने आता नहीं है, जो हमारे परंपरा में सनातन गोस्वामी गुरु परंपरा देखो, रूप गोस्वामी भी ऐसे दिखने में आता नहीं है, दास गोस्वामी भी ऐसे दिखने में आता नहीं है, कोई शिष्य किया है। अरे अभी तो युग प्रभाव ऐसे हो गया है, हम लोग अनाधिकारी, अनुभवहीन, आचरणहीन, सद्गुण राशि वर्जित, फिर भी हजारों चेला कर बैठते हैं। चेला तो होता है, उस चेला में जो शक्ति, गुरु शक्ति अनुप्रवेश के लिए, गुरु में जो शक्ति होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, तत्व दृष्टा होनी चाहिए, तब तो जाके शक्ति संचार कर सकते हैं। जिस कारण शिष्य भी ऐसे ही आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है शिष्य के लिए, इसलिए दिखाते हैं, हमारे दिखा के गए हैं हमारे महाप्रभु, शिष्य किए नहीं है, दास गोस्वामी शिष्य किए ऐसे शून्य में आया नहीं, लेकिन सब महाप्रभु पार्षद, जीव गोस्वामी शायद दो चार शिष्य किए हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जिस शिष्य की है, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी शिष्य की है, दो जन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो महाप्रभु जब संन्यास लेकर दक्षिण भारत गए, कावेरी नदी के किनारे में रहते थे ये भट्ट परिवार, वेंकट भट्टो, त्रिमल्ल भट्टो और प्रबुद्ध भट्टो, ये श्रीरंगम के, श्रीरंगम में पुजारी थे, और दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे, बहुत समृद्ध परिवार, पर बड़े समृद्ध संपन्न परिवार, विद्या, धन विद्या आदि में संपूर्ण भगवत कृपा प्राप्त ऐसे संपन्न परिवार विराजमान थे। महाप्रभु दक्षिण भारत गए जब, तब ये वेंकट भट्ट के घर में, वहां जाकर के महाप्रभु श्रीरंगम में मंदिर में जाकर के ऐसे नृत्य प्रदर्शन किए, उनके अद्भुत जो रूप माधुर्य देख करके वेंकट भट्ट बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत तृप्त हो गए, उनको आदर करके अपने घर में ले गए, और महाप्रभु भी चाहते थे कि चतुर्मास व्रत हम श्रीरंगम में ही, हम यहाँ रह करके चतुर्मास व्रत उद्यापन करेंगे, ऐसे वासना लेकर के महाप्रभु गए हैं दक्षिण भारत। तो वेंकट भट्ट के घर में बड़े आदर से सत्कार के साथ वो रखे हैं, जो प्रभु आप ही विराजमान होकर के हमारे यहाँ, आप विराजमान होकर के हमको कृपा वर्षण करते रहिए, आप चार महीना का ही मत जाइए। तो महाप्रभु को तो ऐसी इच्छा थी मन में कि हम भी यहाँ रह जाएं, कुछ दिन रह जाएं, यहाँ अच्छा आनंद लेंगे यहाँ। तो उनका ही पुत्र था गोपाल भट्ट, बड़ा सुंदर, अल्प उम्र में बड़े सुंदर दिखने में, और महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त करने के बाद उसके अंदर ऐसे वैराग्य आ गया, महाप्रभु का साथ तो छोड़ते ही नहीं। महाप्रभु मंदिर जाते हैं रंग जी में, श्रीरंगम में उनके पीछे पीछे जाते हैं, महाप्रभु सोते हैं उनके चरण प्रांत में रह करके उनके चरण संवहन करते हैं, महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न है दिख करके, बहुत मन में बहुत इच्छा हुई, ऐसे अगर एक सुंदर आधार अगर वृंदावन में आ जाए तो इनके द्वारा जगत का प्रभु तो कल्याण हो सकता है, ऐसे चिंतन किए हैं।
तो चार महीना तो वहां रहे, उनके बड़े भाई थे त्रिमल्ल भट्ट, छोटे भाई प्रबुद्ध भट्ट। ये जो प्रबुद्ध भट्ट ये थे ज्ञान मार्गी, ये वैष्णव मार्ग में माने हमारे सगुण उपासना पद्धति जो है उपासना, इनमें इनके वो बहुत विरोधी थे। निर्गुण निर्विशेष उपासना हमारे उपासना दो प्रकार है, एक सगुण सविशेष उपासना पद्धति और एक है निर्गुण निर्विशेष उपासना पद्धति। निर्गुण निर्विशेष उपासना पद्धति में भगवान का नाम नहीं, गुण नहीं, रूप नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं, वो एक आनंदमय सत्ता मात्र ऐसे। ये नाम रूप जो है ये माया है उनके विचार से। तो ये निर्गुण निर्विशेष उपासना में विश्वासी विश्वास लेकर वो चले गए हैं संन्यास लेकर के काशी में, नाम बदल के नाम धारण किए हैं प्रकाश आनंद सरस्वती। ये बहुत स्नेह करते थे गोपाल भट्ट को बचपन में अपने भ्रातुष्पुत्र होने के कारण, और इतना सुंदर बहुत विनम्र बहुत सद्गुण संपन्न। तो प्रबोधानंद प्रबुद्ध जो है भट्ट और प्रकाशानंद सरस्वती नाम से काशीपुरी में निवास कर रहे हैं, आशा किए हैं हमारे भ्रातुष्पुत्र को हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश करा करके हम भी संन्यास दे करके इसको ले आएंगे काशीपुरी में। तो महाप्रभु के सान्निध्य में रह करके उनके भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो गई, भक्ति देवी उनके भीतर विराजमान हो करके अश्रुकंप पुलक ऐसे अद्भुत अद्भुत भाव विकार देखने में आया बचपन में। तो महाप्रभु तो चार महीना व्यतीत किए वेंकट भट्ट से, उनकी मित्रता हो गई, एकदम मित्र जैसी व्यवहार करते थे चार महीना। और वहां के जितना सज्जन समाज है ब्राह्मण है सब आते थे महाप्रभु को देखने के लिए, उनके रूप लावण्य देख करके मोहित हो जाते थे, उनके श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करके सबके भीतर भक्ति भावना की एक उद्दीप्त हो जाते थे। तो सभी चाहते थे महाप्रभु हमारे घर में एक दिन निमंत्रण ग्रहण करें, हमारे घर में निमंत्रण स्वीकार करें। तो महाप्रभु चाहते हैं कि सबका मनोवांछा पूर्ण हो, तो वेंकट भट्ट को कहते हैं भाई आपके घर में रोज रोज प्रसाद पाना तो ये संभव नहीं होगा, अब दुखी नहीं होना, हम आपके घर में विराजमान रहेंगे, लेकिन प्रसाद तो जो जो निमंत्रण करते हैं सज्जन ब्राह्मण है इनके घर में थोड़ा हम भी इनके आतिथ्य स्वीकार करेंगे इनकी मनोवांछा पूर्ति के लिए, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान। तो एक एक दिन एक एक ब्राह्मण का घर में चार महीना इस तरह से हो गया, बहुत सारे ब्राह्मण उनके घर में निमंत्रण लेने का समय भी नहीं मिला महाप्रभु का। रोज आज नहीं आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, ऐसा करते करते चार महीना बीत गया, बहुत सारे ब्राह्मण रह गए, उनका घर में निमंत्रण स्वीकार करने का समय ही नहीं मिला। चार महीना महाप्रभु बड़े आनंद के साथ वेंकट भट्ट के घर में निवास करके हरि चर्चा में हरि कथा में आनंद में दिन व्यतीत करके अब जाएंगे दक्षिण भारत दर्शन करके। दर्शन माने क्या है, उस माध्यम करके सबको कृपा करना है, जगत जीव को कृपा करना है, जगत जीव के जो भीतर में सुप्त चैतन्य सत्य को जगाना है, सबके भीतर भक्ति भावना की उद्दीप्त करना है, यही उद्देश्य लेकर महाप्रभु दक्षिण भारत गए। तो जाते समय तो खूब दुखी हो गए वेंकट भट्ट, रोना पीटना शुरू किए हैं। तो महाप्रभु उनको सांत्वना देकर के आश्वासन दे रहे हैं कि हम आएंगे, हम घूम करके फिर तुम्हारे घर आएंगे, अवश्य आएंगे, तुम दुखी नहीं होना। अब गोपाल भट्ट जो है ये प्रभु के पीछे पीछे चल दिए हैं, रोते 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 जैसे हमारे प्राण को हरण करके ले जा रहे हैं महाप्रभु जा रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे छोटा बच्चा है 10-11 साल उम्र है, महाप्रभु जा रहे हैं जैसे प्राण को लेके जा रहे हैं, शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, इतना छोटा बच्चा महाप्रभु की इतना कृपा हो गई।
कृपा से एकदम कृतकृत्य हो गए। जो जो प्रेम साधन सापेक्ष साधन करके भी जो प्रेम मिलता नहीं है, वो प्रेम महाप्रभु के साहचर्य महाप्रभु की कृपा से बचपन में ही वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। कृष्ण नाम सुनते ही, कृष्ण नाम उच्चारण करते ही प्रेम गदगद चित्त अश्रुधारा अश्रुकंप पुलकेंद वैवर्ण अष्ट सात्विक भाव। महाप्रभु जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, प्रभु हमको ले चलो, प्रभु हमको ले चलो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, प्रभु हमको छोड़ के मत जाओ। महाप्रभु छोटा बच्चा 10 साल उम्र, दिखने में भी बड़ा सुंदर, ऐसे अब विद्वत्ता में भी ऐसा जो विद्या अध्ययन करते हैं, बहुत अल्प उम्र में बहुत विद्या में बहुत आगे निकल गए हैं। फिर महाप्रभु गोदी में बैठा करके बड़ी सांत्वना प्रदान किए हैं, जो देखो ऐसे नहीं, अभी तुम्हारा माता पिता है, अभी अगर तुमको सही सही भक्ति प्राप्ति करनी है, अगर भगवत कृपा प्राप्ति करनी है, तो माता पिता को उपेक्षा नहीं, हमारे महाप्रभु ने एक शिक्षा प्रदान किया है, जब माता पिता का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो, माता पिता का सेवा, इसमें भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वही अगर सोचे कि हम भजन करेंगे, ये माता पिता इविध बंधन का कारण है, कश्यप पति पुत्राद्यम हो वही कारणम, ऐसा ज्ञान विचार के द्वारा अगर सोचे कि ये माता पिता सेवा का कोई प्रयोजनीयता है नहीं, भगवत भजन ही सार है, ऐसा नहीं, माता पिता ऐसा नहीं होता है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंत सर्वदेवता, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप, पिता तपस्या के गुरु है, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद विगरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बार कर, जो माता ने हमको इतना कष्ट करके हमको पेट में धारण करके हमको पालन पोषण करके बड़े किए हैं, क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता है कि माता पिता का सेवा करना। पास ऋण लेकर के जीव जन्म लेता है, मनुष्य मनुष्य जब जन्म लेता है पास पंच ऋण स्वाभाविक लेकर के जन्म लेता है, वो ऋण अगर नहीं चुकाता है इस शरीर रहते रहते तो उसको फिर आना पड़ता है। एक ऋण है मातृ पितृ ऋण, माता पिता ने हमको जन्म दिया संसार में, हमको दिखाया संसार, जो भी कुछ प्राप्त किए हैं वो माता पिता की अवदान है, इसीलिए माता पिता की सेवा के माध्यम से वो ऋण तो मुक्त हो सकते हो। फिर नृऋण, नृऋण माने मनुष्य के पास हम ऋणी है, समाज जीवन में हम मनुष्य से कोई ना कोई किसी ना किसी अवस्था में मनुष्य से हम कुछ ना कुछ सेवा लेते हैं, उनसे कुछ उपकार लेते हैं, उनके साहचर्य छोड़ करके अकेला स्वतंत्र हम समाज जीवन में रह नहीं सकते हैं, समाज जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी किसी परिस्थिति में हमको सामाजिक जीवन में किसी ना किसी मनुष्य का सहयोग लेना पड़ता है, इसीलिए मनुष्य के पास ऋणी है, इसीलिए समाज जीवन में हम जहाँ रहते हैं उनको उनके सहयोग देना, हर स्थिति में हर अवस्था में उनको सहयोग देना, सामर्थ्य अनुसार उनके सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, उनको उपकार करने का प्रयत्न करना, उनके दुख से सहभागी होकर दुख से निवृत्ति के लिए उनको सहयोग करना, यह है नृऋण, ये करना चाहिए। पशु ऋण, पशु पक्षी नाना प्रकार से हमारे उपकार करते हैं, पशु से हम ऋणी हैं, तो इसीलिए सामर्थ्य अनुसार पशु को पक्षी को कुछ गौ को उस जैसे हो अपना देना चाहिए, कुत्ता को रोटी दो, चिड़िया को आटा हो, कुछ वस्तु हो, कुछ चना हो आदि, ये देना चाहिए पशु ऋण। ऋषि ऋण, मुनि ऋषि हमको मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उनके रची हुई जो ग्रंथ है और ऋषि लोग जो है वो हमको परमार्थ मार्ग प्रदर्शन करते हैं, इस मार्ग अवलंबन करके तुम ये संसार चक्र से मुक्त हो जाओ, तो ये मुक्ति मार्ग हमको कौन प्रदर्शन करते हैं ना, मुनि ऋषि, उनकी मार्ग अवलंबन करके ही तो हम
भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, इसीलिए ऋषि ऋण, ये ऋषि ऋण चुकाने के लिए तुमको भजन साधन करना चाहिए उनके मार्ग अवलंबन करके। देव ऋण, देवता हमको वर्षा बरसात सूर्य देव किरण देते हैं, वरुण देव वर्षा करते हैं, तो देवता भगवान कृपा करके सृष्टि रचना करके हमको पालन पोषण कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वातावरण जितना सृष्टि रचना की है सब हमारे जीने के लिए, इसीलिए देव ऋण भगवत उपासना करके ये देव ऋण से मुक्त होना चाहिए। और ऋषि ऋण वेद अध्ययन साध्याय गीता भगवत आदि अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए, ये पंच ऋण है। तो एक ऋण है मातृपितृ ऋण, शरीर रहते रहते जब संसार छोड़ करके अगर तीव्र वैराग्य लेकर के कायम वचन से संसार से संपूर्ण रूप से निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के कायम वचन से भजन करते हैं तो वो ऋण से समस्त पंच ऋण से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं घर छोड़ के चले गए, ऐसा तीव्र भजन नहीं तो जाकर के वो ऋण चुकाना पड़ेगा, उसका भजन होगा नहीं। तो सबसे उत्तम है शरीर रहते रहते माता पिता की सेवा करना, भजन भी करना चाहिए, तत्सहित माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा भी करना चाहिए। ये महाप्रभु की ये शिक्षा प्रदर्शन किए है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी ऐसे ही उपदेश किए है। जो तुम जाओ अभी माता पिता का सेवा करो, हम प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, फिर माता पिता जब तक रहेंगे तब तक सेवा करो, उसके बाद माता पिता के अंतर ध्यान के बाद तुम वृंदावन में आ जाना, वृंदावन में आना, हमारी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम चिंता मत करना, राधारानी अवश्य तुमको कृपा करेंगे, ऐसे आशीर्वाणी दे करके महाप्रभु दक्षिण भरत चले गए, गोपाल भट्ट घर में आ गए, आ करके अध्ययन शुरू किए है, समस्त शास्त्र अध्ययन में एकदम निपुण हो गए, समस्त विद्या समस्त शास्त्र व्याकरण न्याय दर्शन आदि जितना शास्त्र अलंकार सब शास्त्र में अल्प समय में ही बड़े पंडित हो गए हैं, और माता पिता की सेवा में भी तत्पर रहते थे। ऐसे माता पिता एक समय भगवत कृपा से उनके समय हो गया, शरीर छोड़ के नित्य धाम चले गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जय राधे बोल करके संसार छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन इधर दक्षिण भारत घूम करके महाप्रभु तो आए हैं जगन्नाथपुरी में, आकर के वो प्रकाशानंद सरस्वती जी उनके चाचा थे काशीपुरी में, उनसे मिले, उनसे मिल करके उनके मनोभाव भी परिवर्तन हो गया, वो भी जान गए जो सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति ही परम ज्ञान है, ज्ञान जो शब्द कहते हैं भक्ति है परा ज्ञान, ब्रह्म भाव के बाद वो परा ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नता नशति नकंकति सम सर्वेश भूत मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति प्राप्त होते हैं, वो परम पराभक्ति है। इसीलिए गीता में कहे तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते, यही ज्ञानी अत्यर्थम सचम प्रिय, वो ज्ञानी जो है जो ज्ञान उपासना, मैं ज्ञानी के अत्यंत प्रिय हूँ, क्यों वो जान गए हैं भक्ति परम ज्ञान है, तेषां ज्ञानी एकर भक्ति विशिष्यते, एकमात्र हम में भक्तिमान है ये जान गया, इसीलिए मैं उसको श्रेष्ठ कहता हूँ, मैं भी उसके बहुत प्रिय हूँ, वो भी मेरा बहुत प्रिय है। तो इस तरह से प्रबोधानंद प्रकाशानंद सरस्वती जान गए हैं, महाप्रभु अपने स्वरूप प्रदर्शन कराए हैं, महाप्रभु कृपा से उनके मन की भावना पूर्ण रूप से बदल गए, और वो तो है राधारानी के सहचरी, अपना स्वरूप जागृति हो गई, तो संन्यास परित्याग करके वहां से सीधा चले गए वृंदावन ज्ञान मार्ग उपासना छोड़ करके। फिर महाप्रभु उनके नाम प्रवर्तन किए प्रबोधानंद सरस्वती, उनका ही लेख है वृंदावन महिमा मृत, वो भी वृंदावन आ गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में आए हैं
इधर खबर पहुंच गया है जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु जान गए हैं जी गोपाल भट्ट वृंदावन में आ गए हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ महाप्रभु उनके लिए डोर गोपिन और एक आसन भेज दिए जी, ये आसन इसमें बैठ करके तुम, आसन है प्रतीक माने तुम, ये आसन माने तुमको हम ये आदेश करते हैं तुम दीक्षा दे करके तुम हमारे जो गौरी वैष्णव धारा जो है इस धारा को तुम रक्षा करो आगे बढ़ाओ, इसीलिए आसन प्रदान किए हैं, डोर कोपिन भेजे हैं और एक पत्र भी लिखे हैं, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम इस तरह से अपना भजन भी करो, तत्से तुम इस तरह से लोक कल्याण के लिए दीक्षा प्रदान करो। तो वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं वृंदावन में निधुवन के पास, वहाँ उस समय जंगल था, वहाँ एक पर्ण कुटीर में गोपाल भट्ट गोस्वामी निवास कर रहे हैं, साथ वहाँ नजदीक रहते हैं ये रूप गोस्वामी, जंगल में पर्ण कुटीर झोपड़ी बना करके रहती थी। उस समय तो ऐसे मकान दुकान था नहीं, अभी वृंदावन एक शहर हो गया है, लेकिन उस समय 500 साल पहले जमुना किनारे से लेकर मथुरा तक जंगल जंगल था, विशाल जंगल था, जंतु जानवर हिंस्र जंतु जानवर रहते थे। हम ही जब आए, हम आज से 45 साल पहले हम जब आए वृंदावन में प्रथम, तो वो जो गुरुकुल रोड है, जो काठी बाबा के आश्रम के गुरुकुल रोड है, वहां से लेकर के मथुरा तक बाया तरफ जंगल जंगल था। चिंता नहीं कर पाओगे, अभी वहां पूरा शहर हो गया, पूरा जमुना किनार 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 मथुरा तक पहचान में आता नहीं है। एक दिन वहां एक जंगल में रहता था एक साधु, तो काठी बाबा के एक शिष्य धनंजय दास, काठी बाबा के एक शिष्य सदानंद, उससे बहुत प्रेम था, हमारी नवो अनुराग, कहते चलिए जंगल में साधु है उनसे मिलेंगे, रात में हम लोग जाएंगे संध्या के समय मिल के आ जाएंगे। वहां से जंगल शुरू किए संध्या के समय और जाकर के जंगल में खो गए, साधु तो मिला नहीं। आप ऐसे जंगल ना पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, आप कहां जाएंगे, रास्ता है नहीं। ऐसा करते करते 7 बजे 6-7 बजे रवाना हुए, रात 12 बज गया, जंगल घूम रहे हैं, एक जगह तो एक नाला में हमने गिर गए, एकदम भिज गए, फिर कोई रकम नाला पार करके कहां से ना जाने कैसे 3 बजे आके पहुंचे काठी आश्रम में। ऐसे जंगल, मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो मान लीजिए 500 साल पहले क्या स्थिति थी, उस समय जंगल में ऐसे रहते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वहां निवास कर रहे हैं साथ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। इसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार गए थे गंडकी नदी, वहां तीर्थ दर्शन करने के लिए गए हैं, वहां से शालग्राम मिला, शालग्राम में महाप्रभु का साक्षात दर्शन हुए, तो शालग्राम को लेके आए, आते समय सहारनपुर होते हुए आए हैं ब्रज में, तो सहारनपुर में एक ब्राह्मण सज्जन ब्राह्मण उनके घर निवास किए, उनका भी एक बेटा, वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के सान्निध्य में आकर के वो उनके मन में वैराग्य आ गया, कहते प्रभु आप हमको ले चलो। तो गोपाल भट्ट कहते तुम माता पिता सेवा करो, फिर जाके तुम आ जाना वृंदावन में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आ गए शालग्राम लेकर के, अल्प दिन में माता पिता अंतर्ध्यान होने के बाद वो ब्राह्मण पुत्र आ गए हैं, जैसे पता बताए हैं ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के सान्निध्य में। तो उनका नाम हुआ क्या नाम, दामोदर गोस्वामी ने क्या है, उनका ही परंपरा चल रहा है, जो गोस्वामी है उनको सेवा समर्पण किए हैं, सेवा पीछे समर्पण किए हैं। पहले शालग्राम शिला जो है ना, बड़ा एक शालग्राम, वो शालग्राम को उपासना करते थे, क्यों जंगल था, जंगल में विग्रह सेवा करना बहुत झामेला था, विग्रह के लिए समस्त उपकरण चाहिए, पोशाक चाहिए, है ना,
सेवा तो ऐसा नहीं होता है, नंगा तो रख नहीं सकते, उनके लिए पोशाक चाहिए, अलंकार चाहिए, गहना चाहिए, और बाबा जी है कहाँ सेवा करेंगे, इसीलिए बाबा जी के लिए गिरिराज सेवा हमारे लिए, समस्त बाबा जी के लिए महाप्रभु का आदि सब गिरिराज सेवा करो। विग्रह सेवा में बहुत झमेला होने का कारण सब गिरिराज सेवा करो, उतना झमेला नहीं है, तो सारे ग्राम सेवा करते हैं। इधर क्या हुआ, एक सेठ गिरिराज सेवा, ये गिरिराज क्या, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, क्या गिरिराज जी ब्रज से बाहर ले जाने चाहिए? ना, गिरिराज साक्षात भगवान का स्वरूप है, शालग्राम, शालिग्राम और गिरिराज में कोई भेद नहीं, एक एक गिरिराज शिला, एक एक शालग्राम, उसको साधारण शिला नहीं समझना चाहिए, उसको ब्रज के बाहर नहीं लेना चाहिए। ले सकते हो अगर विधि पूर्वक, एकदम विधि विधान पूर्वक खूब अच्छी सेवा होनी चाहिए, सेवा में त्रुटि हो गई तो अकल्याण हो जाएगा, जो ले जाएगा उसका अमंगल हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे प्रमाण है, इसीलिए गिरिराज को बाहर ले जाना मना है। एक प्रश्न और, कि गिरिराज जी में ही जैसे मानो हम गौड़िये के हिसाब से राधा कृष्ण कृष्ण को भी हम गिरिराज जी से ही पूजित कर सकते हैं और राधा रानी को भी पूजित, और जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य और पंच तत्व का भी हम उन्हीं में कर सकते हैं और सड़ गोस्वामी को भी? नहीं, गिरिराज पंच तत्व शिली शालग्राम में कैसे आएगा? शालग्राम में राधा कृष्ण, शालग्राम का नहीं, गिरिराज जी में, नहीं गिरिराज जी में राधा कृष्ण जुगल उपासना हो सकती है, पंच तत्व बा ये तुम्हारा स्वर्ग समय ऐसा नहीं होता। अब मात्र हमारे पास गिरिराज जी हैं तो उनको हम कैसे, और सब पंच तत्व की और सर्व गोस्वामियों की उनकी कैसे? पंच तत्व माने गिरिराज जी में तुम महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य प्रभु का स्वरूप से पूजा कर सको, लेकिन गदाधर भट्ट और श्रीवास पंडित और स्वर्ग स्वामी जो ऐसा इनका नहीं हो सकता, इनका नहीं हो सकता, उनके लिए चित्रपट रखते हैं। अच्छा, आलिखो जिसको कहते हैं आलिखो। प्रश्न आ गया तो ये करते, विग्रह आठ प्रकार का विग्रह है, विग्रह दारुकामय, बालुकामय, मृणमय, शिलामय, धातुमय, धातुमय, मणिमय, मनोमय, आलिखो, ये आठ प्रकार विग्रह है। तारुकामय प्रसंग आगे इसलिए कह रहे हैं, कितना प्रकार विग्रह होता है, एक दारुकामय लकड़ी का, जैसे जगन्नाथपुरी में बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बालुकामय, जैसे गोपियां, हमारे गोपियां बालू में, रेती में ऐसे पूजा किए है, विग्रह जैसे शेप लेकर के उसके पूजा किए है। मृणमय, मिट्टी का, मिट्टी के प्रतिमा है। शिलामय, जैसे पत्थर का प्रतिमा। धातुमय, जैसे अष्ट धातु का प्रतिमा है। मणिमय, जैसे मणि जैसे हीरा मोती से बनी हुई ये मणिमय, ये जो अरबपति खरबपति जो उन लोग ऐसे विग्रह बना करके पूजा करते हैं। मनोमय, मनोमय माने मन में ठाकुर जी का चिंतन करके पूजा करना, विग्रह नहीं है लेकिन ठाकुर जी को जैसे साक्षात हमारे सामने ठाकुर जी विराजमान है, ऐसे चिंतन के साथ मन ही मन में उनके सेवा करना, इसको कहते हैं मनोमय विग्रह। और आलेख माने चित्रपट, इसके अंदर अष्ट प्रकार विग्रह के अंदर सर्वश्रेष्ठ विग्रह मुझे बताए हैं मनोमय, मन के द्वारा मन ही मन में ठाकुर जी के चिंतन करके जो सेवा होती है ये सर्वोत्तम माना गया है, शास्त्र में इसका श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। फिर शालिग्राम लेकर के तो पूजा करते हैं। अब एक सेठ आया है, सुने हैं वृंदावन में अच्छा अच्छा भजनानंदी विराजमान है, उनको तो सब नंगा बाबा जी माधुकरी की करके खाते हैं, वो कहाँ पोशाक पाएंगे, उनका बड़ा शौक था, उनका पैसा है अच्छा अच्छा कपड़ा लेकर के विग्रह को अच्छी तरह सजाना, ये उनका बड़ा शौक था। एक एक मंदिर में जाते हैं, विग्रह देख करके माप लेते हैं, बढ़िया कपड़ा मथुरा में बढ़िया कपड़ा लेकर के बना करके उनको भेंट करते हैं, ये उनका शौक।
सुने हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े यहाँ के बड़े संत हैं, चलो उनके मंदिर में जाएं दर्शन करने के लिए। वहाँ आए हैं गोपाल भट्ट मंदिर में दर्शन करने के लिए, आकर के देखते हो तो शालिग्राम है। तो बड़े हासे, अरे हमने आए हैं इतने बड़े महात्मा, तो इनका अच्छा विग्रह होगा, हम पोशाक बनाएंगे इनके लिए देंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे पोशाक हम बना बना करके हम दे। और वो पोशाक देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में इच्छा हुई, ऐसा अगर हमारे ठाकुर जी होता तो हम भाई इतना सुंदर पोशाक, हम भी बड़े श्रृंगार करते, अच्छा सजावट करते, मन में ऐसी इच्छा हुई। और वो शेठ तो चले गए, शालिग्राम को क्या पोशाक बनाएंगे, वो तो गोल एक पत्थर है। रात को ही ठाकुर जी वही शालिग्राम से प्रकट हो गए, राधा रमन, अभी जब राधा रमन आधा हिस्सा में राधा रमन, आधा हिस्सा वही शालिग्राम। माने ऐसे प्रमाण करके करने के लिए, जिस देखो कोई ऐसा ना सोचे कि ये सब गपशप है, शालिग्राम से प्रकट हो गए, बस ऐसे प्रमाण करने के लिए। अभी तक पीछे हिस्सा जो है वो शालिग्राम है और आधा हिस्सा में राधा रमन प्रकट हो गए हैं। राधा रमन सपना दृश्य करते, तू देख हमारे रूप वैभव देख, तू हमको सजाने के लिए संकल्प किया मन में, अब मैं प्रकट हो गया हूँ, तू मेरे सजावट कर। उठ करके देखते राधा रमन प्रकट हो गया, बड़े धूमधाम के साथ मथुरा के शेठ को बुलाए, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए, उनके श्रृंगार किए। श्रृंगार करने के बाद फिर अब वहां महाप्रभु तो आदेश किए हैं दीक्षा देने के लिए, तो इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु रामचंद्र को विराज, नरोत्तम ठाकुर सभाए वृंदावन में महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके इन लोग आए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं महाप्रभु के इच्छा अनुसार, आदेश अनुसार। श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के ही अवतार, महाप्रभु के अवतार कोटि के पुरुष हैं ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु। इनके जीवन से संबंध में हम लोग यहाँ आलोचना किए हैं, दीक्षा प्राप्ति के लिए निवेदन किए गोपाल भट्ट गोस्वामी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको कृपा किए। फिर नरोत्तम ठाकुर आदि सब आए, उनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के संग से उनके मन में भी बड़ी अच्छे भावधारा विकसित हुआ, वृंदावन की भावधारा। फिर सत्संग करते थे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी इनके संग में बड़े आनंद में रहते थे। इधर मंदिर, मंदिर हो गया, अब क्या करें, एकांत में भजन करना, अब क्या करें, जो त्यागी साधु है उनके लिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है, और लोक शिक्षा के लिए भी क्या करेंगे। तो जो जो ब्राह्मण आए हैं सहारनपुर से, उनको दीक्षा दे करके उनको वो मंदिर का सेवा नष्ट करके फिर जो तुम यहाँ करो, अब हम जाएंगे एकांत में भजन करने के लिए। तो वहां वृंदावन से छोड़ के आए हैं ये संकेत में, गोपाल भट्ट गोस्वामी संकेत में आए यहाँ भजन। और सनातन गोस्वामी भी देखे है, जो भाई ये भी बंधन का कारण है, ये कब तक यहाँ ये बंधन में रहेंगे, वो भी एक सेवक का हाथ में नष्ट करके सनातन गोस्वामी चले हैं पावन सरोवर। पावन सरोवर से आए हैं चकलेश्वर गोवर्धन में, वहां भजन किए, ऐसे हमारे प्रदर्शन किए हैं। देखो किस तरह से साधु एकांत में भजन करते हैं। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी में छोड़ छाड़ के वो मंदिर का सेवा नष्ट करके वहां से चले आए हैं, कहां टेर कदम में आकर के वहां एकांत में जंगल में भजन किए। किस तरह से वृंदावन में बहुत कृपा प्रदर्शन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी अब लीला संवरण करेंगे। समय हो गया 85 साल उम्र में महाप्रभु के अंतर ध्यान के बहुत पीछे, लगभग 85 साल उम्र में वही राधा रमन मंदिर में संलग्न स्थान, वहीं पर वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वहां पर उनके समाधि मंदिर अभी भी विराजमान है, अभी भी वहां सब जाते हैं दर्शन करने के लिए। और विशेष कुछ इतिहास कुछ रख के नहीं गए हैं, फिर कैसे कैसे भजन किए हैं इस विषय में कुछ स्पष्ट विशेष कुछ हमारे सामने इतिहास हमारी जानकारी है नहीं, यहाँ तक ही जानकारी है, यहाँ तक थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए उनके जीवन धारा
जीवन चरित्र पर आलोचना करके थोड़ा वाणी को पवित्र करने का प्रयत्न किया है। भूल भ्रांति के लिए क्षमा चाहते हैं। जय जय श्री राधे। राधारमण भी एक अद्भुत ठाकुर है। जागृत ठाकुर वृंदावन में दो ही है, राधारमण और बांके बिहारी जी। हरिभक्ति विलास एक जन नहीं लिखे, वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो तीन जन मिल करके लिखे, एक जन का नहीं। जैसे भारत का संविधान एक जन रचना नहीं किए है, ये बहुत जन मिल करके कई साल साढ़े तीन साल बैठ करके वहाँ बहुत सारी थी, बहुत सारी थी। लेकिन नाम दिया दे दिए एक जन को, इसको भाई ये नीचे वर्ग के ऊपर उठाने के लिए चलो भाई इनका नाम यही है उत्सर्ग कर दो संविधान रचयिता। जय जय श्री राधे।